நாட்ல ஒரு பண்டி இருக்குல்ல हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी देखो मैं हो गई हूँ एकदम रेडी, और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आज का हम लोगों का हरिद्वार में क्या प्रोग्राम है और कहाँ जाने वाले हैं और कौन कौन जाने वाला है और क्या क्या होने वाला है। तो गाइस वीडियो में बने रहना और देखते रहना। तो ये देखो सब रेडी हो गए हैं। तो गाइस सारे ही लोग जा रहे हैं। पहले सोचा था मम्मी लोग जो है रहेंगे बच्चों बच्चों को लेके, पर क्या फायदा, सभी लोग एंजॉय करने आए हैं तो सभी लोग ही चल रहे हैं। चलो चलो तो गाइस यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं कनखल के लिए, जो कि भगवान भोलेनाथ की ससुराल के नाम से जाना जाता है। राजा दक्ष का वो मंदिर है। तो यहाँ से ई रिक्शा हमने ले लिया और हम निकल चुके हैं सीधे कनखल में राजा दक्ष के मंदिर की तरफ। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं राजा दक्ष के मंदिर के ठीक सामने, और ये देख सकते हैं आप गेट, तो इस पे नाम लिखा हुआ है मंदिर का। तो हम लोग अब जा रहे हैं सीधे मंदिर के अंदर, और जो भी होगा मैं आप लोगों को जितनी भी जानकारी मुझे है मैं आप लोगों को उस हिसाब से बताता रहूँगा। कुछ गलती हो तो आप लोग उस चीज़ को गूगल करके देख लीजिएगा और मेरे को कमेंट में बताइएगा कि अगर मैंने कोई गलती की हो इसमें। तो ये देख सकते हैं आप भगवान शंकर माँ सती को गोद में उठाए हुए, बहुत ही अच्छी जो है ये मूर्ति बनाई गई है। भगवान शंकर काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं। तो गाइस देखिए ये है प्राचीन दक्ष मंदिर कनखल में, और यहाँ जो है अपने जूते चप्पल हम उतार देंगे। ये देखिए तो जूते चप्पल हमने यहाँ पे अपने उतार दिए हैं, और अब हम आप लोगों को एक एक करके मंदिरों के दर्शन कराते हैं। जितना हो सके हम उतना आप लोगों को ज़रूर दर्शन कराएंगे गाइस। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर श्री श्री दक्ष महाविद्या के अंदर। तो मंदिर के अंदर जो भी मूर्तियाँ या झांकियाँ होंगी आप लोगों को ज़रूर मैं दिखाऊंगा। तो ये देखिए गाइज मंदिर में कितनी सुंदर सुंदर ये मूर्तियाँ हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। ये माँ दुर्गा के सभी रूपों की मूर्तियाँ यहाँ बना रखी हैं, और ये पंडित जी बैठे हैं यहाँ पे तिलक कर रहे हैं सभी का। तो ये देख सकते हैं गाइस यहाँ जितनी भी मूर्तियाँ हैं मैं आपको उन सभी मूर्तियों के दर्शन करवा रहा हूँ। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं श्री दक्ष यज्ञ कुंड में। तो यहाँ राजा दक्ष ने जो है यज्ञ करवाया था, तो उस यज्ञ का कुंड यहाँ बना हुआ है।
यहाँ हालांकि फ़ोटो या वीडियो बनाना मना है, लेकिन गाइस मैं आप लोगों को यज्ञ कुंड के दर्शन ज़रूर कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये रहा देखिए गाइस वो यज्ञ कुंड जहाँ राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया था, ये देखिए गाइस। और ये है श्री सती कुंड, यहाँ माँ सती ने अपने प्राणों की आहुति दी थी जब भगवान शंकर का अपमान किया गया था, तो यहाँ माँ सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। और अभी हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं, ज़्यादा अंदर की वीडियो मैंने नहीं ली है क्योंकि वीडियोग्राफी अंदर मना थी। तो आगे देखते हैं गाइस हम कहाँ जाते हैं। तो ये हम लोग आ चुके हैं गाइस प्राचीन शीतला माता मंदिर, यहाँ ये माँ सती का जन्म स्थान भी है गाइस, यहाँ माँ सती का जन्म भी हुआ था। तो अंदर जो भी मंदिर है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए पुरानी पुरानी इमारतें गाइस यहाँ बनी हुई हैं। आइए आगे चलते हैं। तो ये रहा गाइस देखिए प्राचीन शीतला माता मंदिर, और माँ सती का जन्म भी यहीं कहीं हुआ था। तो गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर, तो यहाँ के दर्शन हम आपको कराते हैं गाइस। तो ये रहे हमारे लक्ष्मी नारायण जी, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ भी सुंदर सुंदर ये झांकियाँ भगवान विष्णु के सभी रूपों का बनाया गया है, आप देख सकते हैं मंदिर के चारों तरफ, ये देखिए गाइस। तो गाइस वहाँ से निकल के हम लोग आगे चलते हैं। यह है प्राचीन श्री शीतला माता मंदिर। तो ये रही माँ शीतला माँ की मूर्ति मंदिर के अंदर, आप दर्शन कर सकते हैं, ये देखिए गाइस। तो हमने यहाँ पे माथा वगैरह भी टेका गाइस, माता के दर्शन करके बहुत अच्छे लगे। और ये मंदिर के बराबर में ही ये छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, बच्चे काफ़ी खुश हुए गाइस यहाँ आके, उनको बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम लोग आपको दर्शन कराते हैं माँ गंगा के पद चिन्ह यानी उनके चरणों के, यहाँ माँ गंगा प्रकट हुई थी तो उनके जो है पैरों के निशान आज भी यहाँ पे हैं। तो ये देखिए गाइस आप लोग देख सकते हैं ये माँ गंगा के पैरों के निशान हैं, उनके पद चिन्ह हैं, और यहाँ गंगा जी के दर्शन आप लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो लास्ट में गाइस हम लोग, ये हनुमान जी का मंदिर है श्री इच्छा प्रद हनुमान, तो यहाँ हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। ये देखिए हनुमान जी की मूर्ति आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए गाइस श्री इच्छा प्रद हनुमान जी। और ये हनुमान जी के दर्शन आप लोग गाइस कर सकते हैं। और फाइनली गाइस हम लोगों ने जितना हो सका उतना आप लोगों को यहाँ दर्शन करा दिए हैं, और लास्ट में हम लोग यहाँ से अपने जूते चप्पल पहनेंगे और सीधे होटल की तरफ निकलेंगे। तो गाइस होटल पहुँच के थोड़ा रेस्ट करके सीधा रात हो चुकी थी और हम लोग आ चुके हैं, ये बंगाली रेस्टोरेंट है, यहाँ हम लोग रात का डिनर करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे सिंपल सात्विक भोजन ही मिलता है गाइस। तो मनीषा आपको बताएगी कि खाने में क्या क्या आइटम्स हैं, बने रहिए वीडियो में गाइस। गाइस आ गई है हमारी।
हमारी बंगाली थाली। तो यहाँ पर है क्या, तुम ले लो, ये है बेगुनी, ये है प्लेन राइस, ये है आलू पोस्तो, ये है क्या है, ये क्या बोलते हैं इसको, आलू भाजा। तो जल्दी से भी करते हैं डिनर। तो गाइज अपना डिनर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और मिलते हैं सीधे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इससे आगे की जर्नी हम आपको सीधे दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।